दोस्तों आजकल चल रहा है भ्रम का वास्तु। बहुत ज्यादा लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू कर दिया, डरा डरा के पैसा निकालना शुरू कर दिया। बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आती हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे को किसी ने बोल दिया है कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आपका तो कैंसर से ही डेथ होगी। एक और भाई साहब आ गए, उन्होंने बोला नॉर्थ ईस्ट में आपकी किचन है, आपके घर में सारी फीमेल मेंबर बीमार हो जाएंगी और बीमार हो के मर जाएंगी। एक तो ये शब्द मर जाएंगी, जल जाएंगे, कट जाएंगे, इतने ज्यादा इस्तेमाल में लेने लगे हैं वास्तु कंसल्टेंट्स, जैसे ये कोई आइसक्रीम खाने जैसी बात हो गई है आजकल। क्योंकि औरतें बहुत ज्यादा इन शब्दों से, जब वो अपने हस्बैंड के लिए ऐसी चीज सुनती हैं या अपने बच्चे के लिए ऐसा सुनते हैं कि आपका बच्चा बीमार हो जाएगा, आपका बच्चा पढ़ाई में फेल हो जाएगा, बहुत ज्यादा डरती हैं। इन सब चीजों को लेके औरतें बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो इसीलिए, और इनका सॉफ्ट टारगेट होता है लेडीज, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के लिए, अपने हस्बैंड की अच्छी हेल्थ के लिए कुछ भी करती हैं, इसी नाम का वो पैसा कमाते हैं दोस्तों। तो ऐसे पहले तो भ्रमों में फंसना बंद करते हैं। दोस्तों जब वास्तु शास्त्र लिखा गया था उस टाइम टॉयलेट्स बहुत डिफरेंट तरीके के बना करते थे। आज की डेट में जो टॉयलेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं अभी जाऊंगा क्योंकि वीडियो छोटा है और अगर समझाने बैठ गया तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए एक छोटा सा मैं आपको आज एक वास्तु के कुछ उपाय बताने वाला हूं कि आप इन भ्रमों से बचे रहें। सबसे पहला भ्रम है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके घर में टॉयलेट आ रहा है तो पहली चीज, सिर्फ टॉयलेट सीट वहां पर गलत है, वहां पर पानी फिर भी ठीक है, वो न्यूट्रल है, पॉजिटिव नहीं है, वो न्यूट्रल है। जो आप वहां पे नहा रहे हो, जो आप वहां पे वॉश बेसिन इस्तेमाल कर रहे हो, जो आपने वहां पे मिरर लगा रखा है, वो बहुत पॉजिटिव है मिरर। सिर्फ गलत क्या हुआ, आपकी टॉयलेट सीट, आपको टॉयलेट सीट की रेमेडी करनी है। सीट की क्या रेमेडी कर सकते हैं, आप वहां पर कोई भी इंडोर प्लांट इस्तेमाल कर सकते हैं जो पॉजिटिविटी को बढ़ाता हो, स्पाइडर प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, लेवेंडर प्लांट हो गया, कोई भी इस टाइप का प्लांट आप अपने टॉयलेट में रख सकते हैं, ये आपके टॉयलेट की पॉजिटिविटी को बढ़ा देगा। दूसरा, नेगेटिविटी रिमूव करनी है, समुद्री नमक का इस्तेमाल कर लीजिए, समुद्री नमक से पोछा लगाना शुरू कर दीजिए, धोना शुरू कर दीजिए, रोज धो दीजिए समुद्री नमक से अपने टॉयलेट को, या समुद्री नमक एक ट्रांसपेरेंट कांच की कटोरी में डाल के रख दीजिए। नेगेटिविटी खत्म हो गई, दूसरा नेगेटिविटी खत्म करी हमने टॉयलेट की प्लांट्स से। तीसरा, अब हम पॉजिटिविटी बढ़ा रहे हैं। पॉजिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं आप किसी भी टंबल स्टोन का, क्रिस्टल का इस्तेमाल करके आप पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट की किचन। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की किचन, किचन होनी कहाँ चाहिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फायर एलिमेंट को एक्टिवेट कर दीजिए, आपकी किचन का 80% डिफेक्ट ठीक हो जाएगा। अब साउथ ईस्ट में फायर कैसे एक्टिवेट करनी है, लाल रंग का इस्तेमाल कर लीजिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि अग्नेय कोण में लाल रंग का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी जो नॉर्थ ईस्ट में किचन आ रही है वो आपको नुकसान देना कम कर देगी, हो सकता है खत्म कर दे। अगर आपने किचन में भी एक दो रेमेडी कर ली, तो एक दो रेमेडी क्या कर सकते हैं आप किचन में, किचन में आप पॉजिटिविटी को एनहेंस कर सकते हैं। पॉजिटिविटी को एनहेंस कैसे करेंगे, कोई भी ग्रीन कलर के टंबल स्टोन रख लीजिए, ग्रीन एवेंचराइन रख लीजिए, हेमाटाइट रख लीजिए, कोई भी इस टाइप का, मेलाकाइट रख लीजिए, कोई भी इस टाइप का टंबल स्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इजीली आपको मिल जाता है ग्रीन एवेंचराइन टंबल स्टोन, लेपराडोराइट रख सकते हैं किचन में नेगेटिविटी खत्म करने के लिए। उससे क्या होगा, वो एलिमेंट उधर का एक्टिवेट हो जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ाएगा वो। क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज रख सकते हैं किचन में, समुद्री नमक का पोछा लगाना शुरू कर दीजिए, नेगेटिविटी खत्म कर दी, पॉजिटिविटी बढ़ा दी, साउथ ईस्ट में फायर को एक्टिवेट कर दिया, आपके किचन का वास्तु दोष खत्म। तीसरा भ्रम आता है साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण का मुख्य द्वार, नैऋत्य कोण का मुख्य द्वार होगा, ओनर मर जाएगा, अनस्टेबल होगा, बिक जाएगा, लोन आ जाएगा उसके सिर पे, पता नहीं क्या क्या बना दिया।
नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से कैंसर बना रखा है, नॉर्थ ईस्ट के किचन से कुछ और बना रखा है, घर की फीमेल मेंबर को बीमार करके मार दिया, साउथ वेस्ट से ओनर को मार दिया, ओनर का ऊपर कर्जा लगा ले आए। तो इन भ्रमों से आपको बचना है। साउथ वेस्ट में अगर आपका मुख्य द्वार आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको डोर की पॉजिटिविटी बढ़ानी है। पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाएंगे, नेगेटिविटी को खत्म करिए। सबसे पहले तो मुख्य द्वार के आसपास आप थोड़ा सा समुद्री नमक रख दीजिए, नेगेटिविटी खत्म करेगा। पॉजिटिविटी एनहेंस करने के लिए कैम्फर का इस्तेमाल कर लीजिए, कोई भी अच्छी फ्रेग्रेंस वाला डिफ्यूजर लगा लीजिए, कोई भी डिफ्यूजर लगा लीजिए, अच्छी फ्रेग्रेंस रहनी चाहिए वहां पे, वो ऑरा को लाइट करती है। जो भी फ्रेग्रेंस आपको पसंद है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। पॉजिटिव ऑस्पिशियस सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी धर्म को आप मानते हैं, वास्तु एक साइंस है, वास्तु धर्म से रिलेटेड है ही नहीं, ये वास्तु कंसल्टेंटों ने इसमें धर्म घुसा दिया है, ये एक साइंस है। तो कोई भी, आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, आपके धर्म में जो भी ऑस्पिशियस सिंबल्स होते हैं, जो भी पॉजिटिव सिंबल्स होते हैं, आप उनका इस्तेमाल अपने नैऋत्य कोण के मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। इससे साउथ वेस्ट में आपका जो वास्तु दोष है वो खत्म हो जाएगा, जो मुख्य द्वार आपका गलत दिशा में आ रहा है। अब दूसरा है ओनर। ओनर कहाँ होना चाहिए दोस्तों? ओनर को, अगर ओनर जिस भी बेडरूम में रह रहा है उसके भी अगर थोड़ा सा साउथ डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में जाके रहेगा, वो उसके लिए वो भी फायदा करेगा, वो भी आपके घर में काफी स्टेबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा कोई भी अगर आपके मन में डाउट है वास्तु को लेके, कोई भी आपके मन में क्वेरी है, या आपको भी किसी कंसल्टेंट ने डरा दिया है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।